हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। दोपहर बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बहुत चर्चा शुरू करते हैं एक बुक के इलस्ट्रेशन की। मैंने गलती से बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 6 बोल दिया था, ठीक है ना। एक्चुअली मैं 5 था और ग्रुप में भेज भी दिया था। आई होप सबने कर लिया होगा इलस्ट्रेशन नंबर 5। और बेटा सिर्फ एक बात मुझे जो आखिरी की डिस्कस करनी है वो ये डिस्कस करनी है। कल ना बेटा शेयर इशू एक्सपेंसेस करके मैंने क्वेश्चन में एंट्री दी थी, पर नेक्स्ट क्वेश्चन में एंट्री दी थी बेटा कि हमने प्रमोटर को शेयर इशू करें। शेयर इशू एक्सपेंसेस की एंट्री क्या कर रहे थे आप? शेयर इशू एक्सपेंसेस दुनिया के सारे खर्च डेबिट होते हैं। शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि कंपनियां कुछ भी खर्चा कैश नहीं करती, सब कुछ बैंक से करती है। कल मानसी ने एक बात बोली थी जब एंट्री कर रही थी, एसपीएल को डेबिट कर दो। मैंने कहा एसपीएल में आप बाद में ले जाना, अगर ले जाना हो तो, लेकिन पहले तो शेयर इशू एक्सपेंसेस ही डेबिट होंगे। फिर मैंने ये भी बोला था कि मैं इसमें बात और अभी एक्सटेंड करूंगा, अभी मैं बात इतनी नहीं रोक रहा, बस वो बात अभी आज एक्सटेंड करता हूँ। बेटा एंट्री हमने करी थी शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट तो बैंक, और मान लो बेटा ये खर्चे किसी एक क्वेश्चन में 10,000 है, ठीक है। प्रमोटर को हमने शेयर इशू करे 20,000 रुपए के, फटाफट से सामने देखना, 20,000 के शेयर दिए प्रमोटर को, क्या करूं बेटा? क्रेडिट किसको करूं बेटा? शेयर जब भी देते हैं शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, या इक्विटी शेयर कैपिटल लिख लो या शेयर कैपिटल लिख लो। प्रमोटर को शेयर दिए हैं बेटा, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को डेबिट करना, क्योंकि प्रमोटर ही वो शख्स है जिसने इनकॉर्पोरेशन तक के सारे खर्चे अपनी जेब से करे। अब कंपनी जब उसको शेयर दे रही है तो ये मान रही है कि वो जो सारे खर्चे तूने करे थे वो कंपनी के खर्चे हो गए, ठीक है जी। तो बेटा हम डेबिट कर रहे थे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, और मान लो अगर ये एंट्री 20,000 रुपए से, बेटा इसके बाद एक एंट्री करना मत बोलना, इसको एसपीएल में ट्रांसफर कर दो, दोनों के दोनों खर्चों को, दोनों ही तो खर्चे, इसको एसपीएल में ट्रांसफर कर दो बेटा। एसपीएल अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस, मतलब मैं राइट ऑफ कर रहा हूँ इन खर्चों को, बुक से खत्म कर रहा हूँ एसपीएल में दिखाकर, और टू इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट। 10,000 रुपए के शेयर इशू एक्सपेंसेस है, 20,000 रुपए की इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है, टोटल एसपीएल में ट्रांसफर होंगे 30,000 रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ये बात आगे बढ़ेगी, मैं अभी भी बता रहा हूँ, कल बढ़ेगी, ठीक है जी। आज बस इतना ही सुन लो, यानी कि इलस्ट्रेशन 5 में आपको लास्ट एंट्री ये जरूर करनी है, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात क्लियर। एक नया कंसेप्ट लिख के आए हैं, कंसेप्ट नंबर 71। इलस्ट्रेशन 5 कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो नहीं करके आया? नहीं करा क्यों? अरे 1 मिनट का क्वेश्चन था, टेबल बनानी थी। कंसेप्ट नंबर 71, इशू ऑफ इतना नोट डाउन करो फटाफट से बेटा, सब सामने देखेंगे, पहले बिल्कुल सामने,
आज पहली बार प्रीमियम का डिस्कशन करने जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में। लमसम में करिए बात, बहुत छोटी सी बचकानी बात है, तो कुछ भी नहीं है, तो हवा में है बात, वो छोड़ दो उसको। अब आए असली क्वेश्चन। बेटा हो क्या रहा है, एक कंपनी है 30,000 शेयर इशू कर रही है, 50 रुपए फेस वैल्यू है, 10 रुपए प्रीमियम के लिए मांग रही है, मतलब टोटल 60 रुपए मांग रही है, ठीक है जी। और डिफरेंट डिफरेंट कॉल्स पर वो पैसे मांगे जा रहे हैं, दिखाई दे रहा है टोटल 60 रुपए मांगे। अच्छा क्या है? इन्होंने ये बताया कि प्रीमियम कहाँ पर है? नहीं बताया। हमेशा ध्यान रख लेना, क्वेश्चन में कसम खा लो, जब मुझे प्रीमियम की अमाउंट ना पता हो तो हमेशा बेटा प्रीमियम किस पर होता है? अलॉटमेंट पर होता है, ठीक है जी। या तो क्वेश्चन बता दे कि प्रीमियम कहाँ पर है, एप्लीकेशन पर है, फर्स्ट कॉल पर है, सेकेंड कॉल पर है, अलॉटमेंट पर है, बता दे। नहीं बताया तो प्रीमियम हमेशा कहाँ पर है? अलॉटमेंट पर है, पहली बात। क्या ये टोटल 60 ही दिखाई दे रहा है, जैसा कि 60 है? हाँ जी 60 है पूरा। चलो जी आओ टेबल बनाते हैं, आप नहीं बनाएंगे, मैं बनाऊंगा, सब देखेंगे। बेटा ढंग से ऑब्जर्व करना कि पहले के कंपैरिजन में क्या चेंज हुआ। बेटा इधर मैं क्या लिखता हूँ, कॉल्स के नाम लिखता हूँ, ठीक है जी। आप लिखोगे, फिलहाल तो मैं बहुत कम कर चुका हूँ ये लिखना। बेटा मैंने सिर्फ अमाउंट लिखी 25 रुपए अलॉटमेंट, सॉरी एप्लीकेशन, 25 रुपए अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में ना बेटा फेस वैल्यू वाला हिस्सा अलग कर लो और प्रीमियम वाला हिस्सा अलग कर लो। जिस भी कॉल में इंक्लूडेड होगा प्रीमियम, वहां फेस वैल्यू को अलग करना और प्रीमियम को अलग करना। अगर ये टोटल कॉल 25 की है और इसमें 10 रुपए का प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू कितने की है? 15 की। हमेशा फेस वैल्यू को पहले लिखना है, प्रीमियम को बाद में। तो बेटा मैं इसको लिख रहा हूं 15 प्लस 10। समझ में आ गई क्या बात है? ये टोटल अलॉटमेंट कितने की थी? 25। क्या है, मैंने 25 ही लिखा है? बिल्कुल 25 लिखा है, पर बाबू लिखने का तरीका क्या है? पहले फेस वैल्यू बाद में प्रीमियम, ठीक है। और बाबू फर्स्ट कॉल पे कितना है? 10 रुपए। कभी भी बेटा कोई कंफ्यूजन हो, हमेशा फेस वैल्यू का टोटल कर लेना, 25 और 15 40 और 10 50। क्या फेस वैल्यू 50 थी? बिल्कुल, प्रीमियम 10 ही था, वो अलग लिखता हूँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? सामने देखते रहना, अभी भी बेटा कुछ ना कुछ बात इसमें नहीं बताने वाली है। 30,000 शेयर इशू कर रही है कंपनी, ठीक है जी। 25 रुपए का एक है, बेटा 7.5 लाख रुपए आए होंगे, 7.5 लाख रुपए के शेयर दिए होंगे। अच्छा अब ये बात आराम से सोचना और समझना। बेटा शेयर होल्डर को कोई पता है कि कब देने हैं प्रीमियम के पैसे? कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया, मैं 50 का शेयर 60 में बेचूंगी, जो लेने को तैयार है वही पैसे दे, और एप्लीकेशन मनी दे दे 25 रुपए। सबने 25 25 दे दिए। शेयर होल्डर को क्या पता आपको कब जरूरत है पैसों की, कब मांगोगे प्रीमियम? शेयर होल्डर को हवा आएगी क्या? आपको खुद बताना पड़ेगा क्या नहीं कि प्रीमियम के पैसे दो। सर कंसेप्ट सुनोगे तो प्रैक्टिकल भी आसान है, कंसेप्ट ही नहीं पता तो प्रैक्टिकल तो कुछ ही, है ना। शेयर होल्डर को थोड़ी पता है कि वो अपनी मर्जी से दे देगा, उसे थोड़ी पता है आपको कब जरूरत है। कंपनी ही मांगेगी कि अब मुझे प्रीमियम चाहिए, कंपनी मांगेगी ना, तो प्रीमियम वाली बात हमेशा मांगने वाली एंट्री में दिखनी चाहिए। कंपनी ने क्या करा सुनना, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 15, 4.5 लाख रुपए शेयर कैपिटल के मांगे, फेस वैल्यू के मांगे। फेस वैल्यू तो जाती है शेयर कैपिटल के सामने, और बेटा 3 लाख रुपए मांगे प्रीमियम के। समझ में आई बात? ठीक है, आपने मांगे, मांगते टाइम बताना है, और पैसे जब आएंगे आते टाइम कुछ नहीं सोचना कि इस बात क्या है, आ गए ना पैसे। कितने पैसे आए? 25 गुना 7.5 लाख रुपए आ गए। आते टाइम कुछ नहीं पता कंपनी को, मांगते टाइम कंपनी को बताना है कि मैंने ये पैसे इसके मांगे और ये पैसे इसके मांगे। समझ में आती है बात? और बाबू फिर तो बात सिंपल ही है, 3 लाख रुपए मांगोगे 3 लाख रुपए आएंगे। मैंने बेटा जर्नल एंट्री का सीक्वेंस लिखना भी बंद कर दिया, सबको पता ही है ना पहली एंट्री क्या होगी। सर तीसरी एंट्री में चेंज है, मैं लिखूंगा सर तीसरी एंट्री, पहली एंट्री क्या होगी बस ये बता। मैन टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तीसरी एंट्री। अभी तक क्या कर रहे थे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही कर रहे थे ना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। भाई प्रीमियम एक फ्री की इनकम ही तो है, और इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट ही तो होती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? अरे तुम्हें तो लिखने का बहुत शौक है यार, लिखोगे क्या? 5 7 क्वेश्चन दो होमवर्क।
पता नहीं क्या है। चलो मैं आपको एक टेबल की ब्यूटी बताता हूँ जो मैंने 5 से 6 साल के बाद डिस्कवर करी। मैंने कहा था ना इस टेबल में इतने गुण छुपे हुए हैं कि कुछ गुण मुझे डिस्कवर करने में बहुत टाइम लगा। इस टेबल में कभी भी देख लेना, मैं कभी भी कुछ प्लस लिखूंगा ना, प्लस में लिखूंगा, लिखिए ना मैंने प्लस में, जर्नल एंट्री में हमेशा क्रेडिट होगी, जब भी माइनस लिखूंगा वो हमेशा डेबिट होगी। देख लेना चाहे तुम आज से ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। 76 77 इलस्ट्रेशन करने, जब भी कोई चीज प्लस होगी इस टेबल में जर्नल एंट्री में क्रेडिट होगी। यहाँ प्लस कराए गए ना क्या क्रेडिट, देखते हैं। ये मुझे 5 से 6 साल बाद पता लगी थी खुद, ठीक है जी, टेबल बनाने के लिए। चलो जी बाबू, शेयर कैपिटल के पैसे कितने मांगे? 4.5 लाख रुपए। प्रीमियम के पैसे कितने मांगे? 3 लाख रुपए। अलॉटमेंट के टोटल पैसे कितने मांगे? 7.5 लाख रुपए। बस बाकी किसी एंट्री पे कोई फर्क नहीं है। वेंट टू शेयर अलॉटमेंट 7.5 लाख, शेयर फर्स्ट फ्लोर टू शेयर कैपिटल 3 लाख, वेंट टू शेयर फर्स्ट फ्लोर 3 लाख। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्वेश्चन कंप्लीट करो, मैं इसमें चेंजेस करूंगा, एक नया क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे फटाफट से करना। एक नया कंसेप्ट की भी बात करनी है मुझे। लोग उत्तर बेटा एक नया एग्जाम्पल कर रहे हैं। मैंने बेटा कल भी बात बोली थी, हर एग्जाम्पल में एक नई बात आएगी है, ठीक है जी, आराम से सुन के चलना। एक बार बेटा 1 मिनट रुक जाओ, फिर उसके बाद लिखना शुरू करना। पहले मैं देख लूँ मुझे जो चेंजेस कर रहे हैं वो क्या क्या है। अब लिखना शुरू कर दो। पहली ट्राई आपकी ही है, करना जरा कुछ। चलो जी, अब वो करा आपने, टेबल तो बना ली होगी ना यार सबने। आओ फिर सामने देखो, टेबल मैच करता है, जर्नल एंट्री कर लेंगे मैच। और बाबू अब मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ जर्नल एंट्रियां छुड़वानी शुरू कर दूंगा आपसे, क्योंकि जर्नल एंट्री बहुत बोरिंग हो जाएंगी वरना जाते जाते। जब जितनी मैं जर्नल एंट्री बोलूंगा बस उतनी करनी है इसके बाद। प्लीज अब आप सामने देखेंगे, टेबल मैच करेंगे। मैंने बहुत टाइम दिया, मेरा अगला भी कंसेप्ट आज ही करना है। बाबू इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट क्या है? पहली बात तो डिफरेंस ये है बेटा कि इस बार फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम है, पहले अलॉटमेंट पर था, पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इस बात का है कि क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कर, दिखाई दे रही है बात बेटा। 7,000 शेयर कंपनी इशू कर रही है लेकिन एप्लीकेशन 6,500 रुपए की आई है। बाबू पूरी टेबल 6,500 रुपए से ही तैयार होगी, 6,500 शेयर से ही तैयार होगी। इसने 7,000 से कर दी पूरी टेबल में, रुपये काटा मार, ठीक है जी। थोड़ा सोचा भी करो, कंसेप्ट तो यही है ना बेटा। एप्लीकेशन पर 30, अलॉटमेंट पर 40। फर्स्ट कॉल इधर देखना, फर्स्ट कॉल कैसे लिखी? 10+20। बाबू सबसे पहले फेस वैल्यू, फिर बेटा प्रीमियम, और उसके बाद बेटा फाइनल कॉल 20, ठीक है जी। इधर देखना सर,
जब पब्लिक ने 6500 शेयर सब्सक्राइब करे तो जो 65 पैसे दिए होंगे वो 6500 शेयर पे ही तो दिए होंगे या 7000 शेयर पे दे दिए होंगे 6500। मैंने बेटा वैसे बोली थी जब पहली बार कल टेबल बनाई थी कि यहाँ नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब लिखते हैं, पर अगर किसी क्वेश्चन में दे ही ना रखे हो, पिछले क्वेश्चन में मैंने ये लाइन ही नहीं दी थी, तो बाबू जितने शेयर इशू करे उतने ही सब्सक्राइब हो गए, ऐसा मान के हम क्वेश्चन कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखते हैं ना यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब लिखते हैं बेटा, ठीक है जी। तो अब वो 6500 शेयर की एप्लीकेशन आई, पूरा क्वेश्चन 6500 शेयर से होगा, ठीक है जी। बेटा पैसे आए होंगे, आपने शेयर दिए होंगे, पैसे आपने मांगे होंगे, पैसे मिल गए होंगे, अगेन पैसे मांगे होंगे, 65000 रुपए मांगे होंगे फेस वैल्यू के, और बेटा 1,30,000 मांगे होंगे प्रीमियम के, यानी कि पैसे आए होंगे आपके पास 1,95,000। आते टाइम कंपनी कभी नहीं देखती किस बात का है, वह मांगते टाइम ही देखना है। और बेटा 1,30,000 मांगे होंगे, 1,30,000 आए होंगे, जर्नल एंट्री नंबर 5 करके दिखा दो बस, और कुछ नहीं करना, फटाफट से सब अपनी कॉपी में जर्नल एंट्री नंबर 5 कर दो। चलो जी बाबू एंट्री की होनी चाहिए, आपने शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर फर्स्ट कॉल के सामने 1,95,000, शेयर कैपिटल के सामने 65,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने 1,30,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बिल्कुल क्लियर बात, आगे बढ़ाएं बात को बाबू। एक नए कंसेप्ट की चर्चा करेंगे, एक नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसके साथ ही चर्चा कर दूंगा, अलग से कंसेप्ट नंबर डालने की कोई जरूरत नहीं है। आप बाबू क्वेश्चन नोट डाउन करो, क्वेश्चन ढंग से लिखना बस। आप ना सब टेबल बनाकर रुक जाओ, टेबल बना के दिखाना बड़ा अच्छा। बेटा सामने देखना, 17,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन आई थी 16,000 शेयर की, पूछो 17,000 से क्या 16 से, 16,000 से करी पूरी की पूरी टेबल बनाई। एप्लीकेशन पर 10, अलॉटमेंट पर 20, फर्स्ट कॉल 10, फाइनल कॉल 10। 1,60,000 रुपए आए होंगे, 1,60,000 के शेयर दिए होंगे, 3,20,000 मांगे होंगे, 3,20,000 रुपए मिले होंगे, 1,60,000 फिर मांगे होंगे, 1,60,000 मिले होंगे, फिर 1,60,000 मांगे होंगे और फिर 1,60,000 मिले होंगे। सर टेबल रेडी है, पर बेटा क्वेश्चन पढ़ो एक बार, सब सामने देखो और क्वेश्चन पढ़ो। बेटा क्वेश्चन ने कहा प्रिपेयर कैश बुक एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, 11th पास हो तो कैश बुक के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। बेटा कैश बुक हम डबल कॉलम कैश बुक भी बनाते थे, याद हो कैश एंड बैंक कॉलम, याद है ना। इन सारी एंट्री में बैंक का यूज हो रहा है क्या, नहीं, इन चारों की जर्नल एंट्री नहीं होगी उस क्वेश्चन में जिसमें कैश बुक बनाने का है, यानी कि जर्नल एंट्री होंगी सिर्फ चार इसी सीक्वेंस में, 1, 2, 3, 4, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल। इसका क्या होगा बाबू, बनेगी कैश बुक। बेटा कैश बुक का फॉर्मेट वैसे तो अगर मैं 11th क्लास का याद कराऊं, पांच पांच कॉलम होते थे, डेट पर्टिकुलर LF कैश और बैंक, डेट पर्टिकुलर LF कैश और बैंक। यहाँ कैश की तो कोई एंट्री नहीं है तो कैश कॉलम बनाने का कोई मायने फायदा नहीं, LF में वैसे ही नहीं बना रहा, डेट है नहीं डेट भी नहीं बना रहा, तो बाबू दो कॉलम बना रहा हूँ ईच साइड, पर्टिकुलर और अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, सामने देख रहे हैं सब।
पर्टिकुलर अमाउंट और बेटा पर्टिकुलर और अमाउंट, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। पहली एंट्री क्या की होगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड, नाम सामने वाली साइड का आया होगा, आपने नाम लिखा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,60,000 रुपये सेंड। दूसरी एंट्री बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड, नाम सामने वाली साइड का टू शेयर अलॉटमेंट। ये समझ लो मैं बैंक अकाउंट बना रहा हूँ, मोर और लेस एक बैंक अकाउंट बना रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है ना जी। 3,20,000। फिर एंट्री बैंक टू शेयर फर्स्ट वन, बैंक इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड बेटा। फिर शेयर फाइनल कॉल की एंट्री, सेकंड या फाइनल कॉल कुछ भी कह लो, बैंक टू शेयर सेकंड कॉल 1,60,000 रुपये से एंट्री बेटा। बैलेंस निकालेंगे, बिना बैलेंस निकाले छोड़कर नहीं आना। कितने रुपए है, 8,00,000 रुपए, ठीक है जी। अब वो हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ लिखते हैं हाईएस्ट टोटल, बैलेंस निकाल लो। आपने बैलेंस निकाला, बाय बैलेंस कैरेड डाउन 8,00,000, और बेटा ब्रॉड डाउन भी कर दिया तो बैलेंस ब्रॉड डाउन 8,00,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, समझ में आ गई बात बेटा। बुक के अब तीन इलस्ट्रेशन हो जाएंगे, कम से कम तीन, पांच हो गया, 6, 7, 8 और शायद 9 भी हो जाए, ठीक है जी। 6, 7, 8 कंफर्म है बेटा, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ एक बार से कौन कौन से इलस्ट्रेशन करने हैं। रख रहे आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।